हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज दिव्या और आज का वीडियो होने वाला है शीन विंटर कलेक्शन को लेके. सो मैंने वहाँ से कुछ सामान परचेज किया था, ये आप देख सकते हो. सो मैं एक एक करके इनको आपको वेयर करके दिखाऊंगी एंड इनका डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कैसे लगे मुझे. सो अगर आप ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एक वाइट कलर की स्वेट शर्ट विद हुड. सो ये कुछ इस टाइप की दिखती है एंड इसकी कैप पे क्यूट से यू नो हॉर्न्स बने हुए हैं. सो मैं इन सबके प्राइजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी या फिर मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना. एंड ये साइज मैंने मीडियम मंगाया था अपने लिए, सो आप देख सकते हो. एंड ये बहुत ही क्यूट सा है, इसके स्लीव्स पर भी लिखा हुआ है. सो काफी क्लासी लगता है ये पहनने के बाद. नेक्स्ट आइटम है एक ब्लैक हुड. सिमिलरली जैसे मेरे पास व्हाइट हुड है, मैंने ब्लैक हुड ऑर्डर की थी एंड ये बहुत सिंपल है, जस्ट इस पे ये साइन बना हुआ है एंड ये बहुत ही कूल लगती है पहनने के बाद, सिंपल ब्लैक हुडी. एंड इसको मैंने काफ़ी बार पहन रखा है एंड इसमें ना रुएं उठना स्टार्ट हो गए हैं. सो मेरी तरफ से ये ज़्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि जितना इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है जो मैं लिख दूंगी नीचे, उस हिसाब से इसमें रुए नहीं उठते तो ज़्यादा बेटर रहता. सो दिस इज ओके. सो द थर्ड आइटम इज ये पिंक कलर की बॉम्ब जैकेट. सो आप देख सकते हो इसमें सब कुछ अच्छा है इस जैकेट में, जैसे काफ़ी क्लासी लगती है पहनने के बाद. इसका कलर बहुत प्यारा है एंड इसकी स्लीव्स पे भी ये जो लिखा हुआ है स्ट्रिप्स में, ये भी बहुत अच्छा लगता है. इसमें लव लिखा हुआ है एंड पहनने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पे कैसा लुक आ रहा है. द ओनली डिफेक्ट इज कि इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है. यू नो आप देख सकते हो बिल्कुल रेनकोट मटेरियल है इसका, पॉलिएस्टर कपड़ा है एंड इसके लिए मैंने 1200 रुपये पे किया था. उस हिसाब से ये जैकेट वर्थ नहीं है. सो आई डोंट थिंक इसे आपको परचेज करना चाहिए. ओके सो नेक्स्ट चीज़ है वो थोड़ा डेली वेयर टाइप की है, दैट इज दिस नाइट सूट. तो मैंने ये नाइट सूट ऑर्डर किया था एंड देखते हैं ये कैसा है. सो ये पॉलिएस्टर मिक्स कपड़े में है. गर्मियों के लिए आई थिंक समर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज ये बहुत पतला है. सर्दियों में तो शायद इसमें बहुत ठंड लगने वाली है रात में. एंड इसमें आप देख सकते हो क्यूट सी कैट्स बनी हुई है एंड इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है. मैंने इसे सेल में ख़रीदा था, फ्लैश सेल में, तो ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था, अराउंड 300 रुपीज़ में पड़ गया. उस हिसाब से बहुत सही है एंड इसके साथ पजामा सेट भी है. सो दिस इज द सेट. पजामा इसका काफ़ी लॉन्ग है, सो मेरे लिए ये पजामा काफ़ी लॉन्ग है. अगर आपकी हाइट मेरे से लंबी है, लाइक आई एम 5'1", तो आपको ये डेफिनेटली अच्छे से फिट आएगा एंड ये स्मॉल साइज है. इवन द ब्लैक हुड वॉज इन स्मॉल साइज. सो द नेक्स्ट इज अ ड्रेस. सो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के कपड़े मंगाए हैं, नाइट सूट मंगाई है, ड्रेस मंगाई है, हुडीज मंगाई है, नॉर्मल जैकेट्स मंगाई है. सो दिस इज द ड्रेस. ये टू पीस में आया है. इसमें सबसे पहले आपको ये अंदर ही इनर टाइप का पहनना पड़ेगा एंड उसके बाद इसके ऊपर हमें ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न्स में शीयर मटेरियल में ये ड्रेस इस टाइप की है एंड ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है. एंड मैंने इसको भी सेल पे ख़रीदा था, ये 720 के अराउंड थी सेल पे एंड मेरा इसमें स्मॉल साइज है, बट ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है. मैं इसको आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी. सो आई एम लेफ्ट विथ टू आइटम्स. ये दोनों एसेसरी आइटम्स हैं. फर्स्ट ईयरिंग्स हैं ये एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल ईयरिंग्स है. इनमें टैसल लगा हुआ है एंड साथ में ये बीट्स दे रखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. मैं इनको आपको पहन कर दिखाऊंगी एंड इनके प्राइजेस भी मैं नीचे लिख दूंगी.
और लास्ट आइटम इस हॉल का है ये स्टिकर्स। तो अगर आपको एक्चुअली ये टैटूज हैं एंड मैंने इस टाइप का एक अपने हैंड पे लगा रखा है, सब देख सकते हो, इस पे लव लिखा हुआ है एंड ये अभी से उखड़ने को हो रहा है। ये कहीं से टैटू तो लग नहीं रहा है, ये स्टिकर टाइप के ही लग रहे हैं एंड ये मुझे दो पीसेस में रिसीव हुए थे। सो आप इनको एक एक करके यूज कर सकते हो और इनकी लाइफ टाइम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेंगे, इससे ज्यादा ही टिकने नहीं वाले, हाथ पे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं एंड निकल जाते हैं। सो इनको कैसे यूज करना है ये इनके रैपर पे लिखा रहता है, आपको लगा के अपने हैंड पे लगा के या जहां भी आपको इसको लगाना है वहां पर थोड़ा पानी से टैप करके आप हटा लीजिए एंड ये फिक्स हो जाएंगे। सो अगर आप परमानेंट टैटू नहीं बनवा सकते और आपको टैटूज का शौक है तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज वर्थ इट, आपको मंगाना चाहिए ऐसी चीजें। ओके गाइस, सो वी आर एट द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे मैं बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।